देखिए, इस देश का वर्तमान प्रधानमंत्री एक नंबर का भ्रष्ट, एक नंबर का बेईमान, एक नंबर का झूठा और एक नंबर का देश को गुमराह करने वाला व्यक्ति है। अगर आप चाह रहे हैं कि बहुजन समाज के जितने भी बच्चे हैं वो आकर ऐसे विश्वविद्यालयों में पढ़ें और पढ़ाएं, तो आपको इस मुहिम में शामिल होना चाहिए, क्योंकि ये नौकरी की बात नहीं, ये न्याय की बात है। जिस समय जरूरत है उस समय समाज के साथ खड़े नहीं हुए तो तुम्हारे होने ना होने का कोई मतलब नहीं। हमें भी मारने की धमकी आती है, हम कहते हैं आ जा ना अखाड़े में आ जा, जब पता लगे कि कौन कितने पानी में है। जितने भी बीजेपी के अंदर बलात्कारी, महिलाओं का शोषण करने वाले, सेक्सुअल हरासमेंट के जो लोग हैं, किसके खिलाफ मोदी ने कार्रवाई करी है? फर्जी डिग्रियां किस किस ने ली हैं उसके बारे में तो बोलना ही बेकार है। तो कहते हैं कि अगर संविधान ना होता तो आप सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन ना कर पाते, संविधान है तभी आप कर पा रहे हैं। बिल्कुल, आज है ना तो कर पा रहे हैं, इसीलिए तो वो चेंज करना चाह रहे हैं अब, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान आ गया है, देश में इंसाफ और बराबरी की बात होने लगती है, तो इनको अपना अस्तित्व खतरे में लगने लगता है, क्योंकि कॉम्पिटिशन करके तो ये जीत ही नहीं सकते, इसीलिए रिजर्वेशन से चिढ़ते हैं। इसीलिए बिहार ने अगर जातिगत जनगणना की है, पेट में दर्द यहाँ सबके क्यों हो रहा है? नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। काफी समय से हैशटैग जस्टिस फॉर रितु ट्रेंड कर रहा है, आप सभी अवगत होंगे। अब जो है ये अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ चुके हैं, न्याय की गुहार लगा रहे हैं। समर्थन में जो है एडवोकेट महमूद प्राचा है, उनसे बात करेंगे। सर क्या कुछ कहेंगे? जो अभी आप मुजफ्फरनगर में एक प्रिंसिपल का जो एक तरीके से बिहेवियर और चरित्र देख रहे हो, ये जो मानसिकता है उसी मानसिकता का ही एक रूप डॉक्टर रितु की, जो दौलत राम कॉलेज की प्रिंसिपल हैं, वो बिल्कुल हूबहू वही मानसिकता है। और ऐसे प्रिंसिपल्स, क्योंकि व्यवस्था ये मनुवादी है, क्योंकि व्यवस्था ये आरएसएस और बीजेपी की है, ऐसे प्रिंसिपल्स ऐसी एक टीचर को जो उससे भी ज़्यादा अच्छी है उसको निकाल सकती है। कोई और बहाना नहीं मिला, कोई और बहाना हो ही नहीं सकता, तो झूठे दस्तावेज तैयार करके बच्चों के झूठे सिग्नेचर, जिस तरीके से बच्चों से वहाँ चांटे लगवाए जा रहे थे उसी तरीके से बच्चों के झूठे सिग्नेचर्स करा के उसके बेसिस पे डॉक्टर रितु की नौकरी छीनी। और ऐसी देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है, ये जो मनुवादी मानसिकता है ये कैसी है, उस प्रिंसिपल को दिल्ली पुलिस के उन भ्रष्ट अधिकारियों से जिनके खिलाफ कोर्ट ने टिप्पणियाँ की हैं, उनको भी मजबूर होना पड़ा डॉक्यूमेंट्स फोर्ज करने और चीटिंग करने और SC ST एक्ट के बहुत सारे ऑफेंस करने, कॉन्स्पिरेसी करने। देखिए कैसे कैसे पूरा RSS और BJP का इकोसिस्टम, मनुवादी मानसिकता का इकोसिस्टम, उसको बचाने के लिए जुटा हुआ है। उसको बचाने के लिए प्रिंसिपल्स ने, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो प्रिंसिपल्स की बॉडी है उसमें जनरल सेक्रेटरी नियुक्त किया गया, तो मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि जिस चार्जशीटेड प्रिंसिपल को वो अपना नेता मान सकते हैं सारे के सारे प्रिंसिपल्स मिलके, वो किस लेवल के लोग होंगे ये मैं अंदाज़ा खूब लगा सकता हूँ। कितनी क्रिमिनल मानसिकता के सारे प्रिंसिपल्स होंगे जिन्होंने उसे अपना वोट देके जनरल सेक्रेटरी चुना है। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के हर एक कॉलेज के हर एक प्रिंसिपल की मानसिकता का अंदाज़ा लगा सकते हो। डॉक्टर रतनलाल की बात करें या मैम की बात करें, इनसे प्रॉब्लम क्या है इन लोगों को? प्रॉब्लम यह है कि जहाँ भी डॉक्टर रितु जैसे लोग आएंगे, डॉक्टर रतनलाल जैसे लोग आएंगे, ये मुंह खोलेंगी डॉक्टर रितु के सामने और डॉक्टर रितु एक शब्द बोलेंगी, एक सेंटेंस डॉक्टर रितु बोलेंगी एक ही जगह से, और एक सेंटेंस जो DR दौलत राम कॉलेज की प्रिंसिपल हैं, तो दुनिया देख लेगी ये कौन जाहिल है और ये कौन पढ़ी लिखी है जो उसके अंडर काम कर रही है, ये कौन विद्वान है और ये कौन बेवकूफ़ है। ये उनको इसीलिए इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। वर्षों से लगातार शोषण होते हुए आ रहा है, जब आवाज़ उठाई जा रही है, संविधान का हवाला दिया जा रहा है, तो ये संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ना, इन सभी लोगों को अपना व्यक्तित्व जो है, जैसे ही अम्बेडकरवादी सामने आ जाता है कोई, तो इतना छोटा लगने लगता है। वैसे वो इस चीज़ में एक्सपर्ट होते हैं, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, हजारों लाखों करोड़ रुपए खर्च कर दिए उन्होंने अपनी छवि सुधारने के लिए, है ना, वरना उनमें ऐसी क्या खासियत है।
अब क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान आ गया है, देश में इंसाफ और बराबरी की बात होने लगती है, तो इनको अपना अस्तित्व खतरे में लगने लगता है, क्योंकि कॉम्पिटिशन करके तो ये जीत ही नहीं सकते, इसीलिए रिजर्वेशन से चिढ़ते हैं। इसीलिए बिहार ने अगर जातिगत जनगणना की है, पेट में दर्द यहाँ सबके क्यों हो रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट एफिडेविट फाइल कर रही है, लेकिन फिर जब नज़र आया कि ये चोरी पकड़ी जाएगी, तुम लोग डायरेक्ट जातिगत जनगणना के खिलाफ नज़र आओगे, तो घंटों में एफिडेविट बदलने की कोशिश करो। एकलव्य की जो दास्तान है उससे वही मानसिकता है कि जो व्यक्ति सबसे अच्छा होगा उसको किसी ना किसी तरीके से नुकसान पहुँचाओ, इतना नुकसान पहुँचाओ कि वो कॉम्पिटिशन से ही बाहर हो जाए। मैं एग्जाम्पल डॉक्टर ऋतु का, डॉक्टर रतनलाल का क्यों दे रहा हूँ? साथ बैठते ही आप हिंदू कॉलेज के प्रिंसिपल, जो प्रिंसिपल साहिबा हैं या साहब हैं जो भी हैं, प्रोफेसर रतनलाल साहब के बीच में बिठा दीजिए और ऐसे इंटरव्यू ले लीजिए, 3 मिनट का या 2 मिनट का मैक्सिमम, 1 मिनट वो बोलेंगे 1 मिनट वो बोलेंगे, तो पूरी दुनिया ये कहेंगी ये कौन जाहिल है और ये कौन विद्वान है। प्रिंसिपल कहेंगे डॉक्टर रतनलाल प्रिंसिपल है ना, लोग अपने दांतों तले उंगली दबा लेंगे कि प्रिंसिपल तो डॉक्टर रतनलाल ही है ना, और कोई तो प्रिंसिपल हो ही नहीं सकता, और ये प्रिंसिपल ये तो अभी मेरे ख्याल से दूसरी या तीसरी कॉलेज में स्टूडेंट होगी, दूसरी तीसरी क्लास की। इतना प्रतिभा में फ़र्क साफ साफ है। एक तरफ जहाँ भारत चांद पर जाने की बात कर रहा है, भारत जो प्लॉट खरीदने की बातें चल रही है, दूसरी तरफ अगर हम जा रहे हैं ज़मीनी स्तर पर लोगों से बात कर रहे हैं, तो लोग फ़ोटो दिखा रहे हैं कि ये हमारा पति है, ये हमारा बेटा था जो गटर और नाले में ज़बरदस्ती उसको भेजा गया और वो वहाँ जहरीली गैस या किसी न किसी कारण से वो मर गया। देखिए, जितने पैसे देश के चुरा के सिर्फ अडानी अडानी को दे दिए गए, अगर वही पैसे का 100वां हिस्सा, मैं बहुत ज़्यादा करके बता रहा हूँ, मेरे ख्याल से 1000वां हिस्सा भी अगर ईमानदारी के साथ लग जाए देश में, तो किसी भी देश के किसी भी कोने में किसी को गटर में उतरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इतने बड़ी चोर और बेईमान मानसिकता है ये, मनुवादी मानसिकता। सर, क्या कहेंगे समाज को जो तैयार करने की एक जिम्मेदारी है, शिक्षक समाज को तैयार करता है, आने वाले भविष्य को सींचता है, वही शिक्षक ये कह रहे हैं, जाति सूचक शब्द बोलकर कह रहे हैं कि अगर मैं ये होता तो किसी चौक चौराहे पर बूट पॉलिश कर लेता, कहाँ मैं शिक्षक हो गया। दूसरी ओर एक शिक्षिका जो है वो नफरती बयान दे रही है कि मुसलमानों को तो मैं डिक्लेयर कर देती हूँ कि बाहर ही निकाल दो, किस तरीके का माहौल तैयार हो रहा है? नहीं देखिए, ये लोग जो हैं वो हैं कौन, किस मानसिकता के लोग हैं जो शिक्षा पर प्रहार कर रहे हैं, या पूरी शिक्षक कम्युनिटी को बदनाम कर रहे हैं, कौन है लोग? ये उसी मनुवादी मानसिकता के लोग हैं जो नहीं चाहते कि चंद लोगों के अलावा शिक्षा देश के दूर दराज के इलाकों में हर व्यक्ति तक पहुंचे। जैसे पहले वर्ण व्यवस्था थी, तो वर्ण व्यवस्था के हिसाब से ब्राह्मण, जिसने अपने आप को सबसे ऊपर रखा, उसका काम केवल पढ़ना और पढ़ाना, तो वो ये चाहता है कि ये सब कुछ हमारे हाथ में रहे, किसी और के हाथ में ना हो। और आज जो सरकार देश में है वो किसकी सरकार है? आरएसएस की सरकार है। आरएसएस पे किसका कंट्रोल है? मनुवादी ब्राह्मणों का कंट्रोल है। और वो मनुवादी नहीं चाहते कि ये कंट्रोल उनके हाथ से छूटे, वो ये चाहते हैं कि हमारे अलावा बाकी सब अनपढ़ रहे हैं। और कम से कम शेड्यूल कास्ट, जिसका काम इनकी वर्ण व्यवस्था के हिसाब से ऊपर के तीनों वर्ण यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इनकी सेवा करना रहा है, आज अगर वो पढ़ के सूटेड बूटेड बढ़िया तरीके से रह के अच्छे स्थानों में जाके अच्छी तरह से जीवन यापन करके समाज को एक बेहतर स्थिति में पहुंचाने का प्रयास कर रहा है, मेरी बात का अंदाजा आप इससे लगा लेंगे कि ये जो अभी चंद्रयान गया है, इस चंद्रयान में जो दो मुख्य वैज्ञानिक है वो दलित समाज के हैं। तो जो ये कहते हैं ना कि हम पढ़े लिखे नहीं हो सकते या हमें ज्ञान नहीं हो सकता, हमारी पीछे तक की जो हमारी पुरानी पीढ़ी है, जो हमारे संत महापुरुष हैं, जो हमारे बुजुर्ग रहे हैं, उन्होंने भी सिद्ध किया कि हम तुमसे किसी मामले में कम नहीं हैं, आज भी वो सिद्ध कर रहे हैं। पर इनको ये बर्दाश्त नहीं है,
वो कहते हैं ना, मेरी तेरी कमीज मेरी कमीज से सफ़ेद कैसे है, वो चीज़ वो बर्दाश्त नहीं है इनको। और जो यहाँ पे हो रहा है, ये सविता राय जो दौलत राय कॉलेज में जो डॉक्टर ऋतु के साथ में किया है, और यही वो लोग हैं जो VC और इसकी जो प्रिंसिपल है जितने रिकमेंड करने से मना कर दिया ये हिंदू कॉलेज की प्रोफेसर रतनलाल जी का कि उन्हें प्रोफेसर बन जाना चाहिए तब का कब का ही, तो उनका रिकमेंड करने से मना कर दिया कि भाई आपके खिलाफ़ FIR है, और वो FIR वो है जिसमें 6 महीने तक की भी ढंग से सजा नहीं है, और जो बिल्कुल झूठा है केस उसमें भी रिकमेंडेशन करने से मना कर दिया ये कह के कि FIR है आपका नहीं कर सकते। तो ये प्रिंसिपल क्यों बना के बैठा रखी है, क्या लगती है उनकी? इसका और बुरे से बुरा उदाहरण मैं आप बताऊंगा, इसके आप समझ लेंगे कि इस मोदी सरकार ने संविधान के विरोध में लेटरल एंट्री का पढ़ा है ना आपने, अब तक 100 से ज्यादा लोगों को जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पर पिछले दरवाजे से जॉइंट सेक्रेटरी बना दिया है। जॉइंट सेक्रेटरी सरकार में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होता है एक तरह से आप माने, और कब बनता है जॉइंट सेक्रेटरी, कब बनता है जो IAS, मैं IAS की बात कर रहा हूँ प्रॉपर IAS, जो IAS है 18 से 20 साल की जब सर्विस उसकी हो जाती है उसके बाद वो जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पर प्रमोशन के लायक होता है, और उस लेवल पर उसके बाद जो प्रमोशन है IAS में केवल एडिशनल सेक्रेटरी का और देन सेक्रेटरी का, बस यही दो प्रमोशन है। उस जॉइंट सेक्रेटरी लेवल पे पिछले दरवाजे से 100 से ज्यादा लोगों की भर्ती कर दी अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। किस लिए की है कि हर चीज को अपने कब्जे में रखना चाहते हैं, कोई चीज इनके हाथ से बाहर न निकल जाए, उसी मानसिकता के तहत ये सब कुछ हो रहा है। प्रधानमंत्री बयान देते हैं, नारे लगाते हैं बेटी बढ़ाओ बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो फिर जब डॉक्टर ऋतु जैसी बेटी सड़क पर आती हैं या चाहे पहलवान बेटी जब आती हैं उन्हें रोडों पर घसीटा जाता है, लेकिन एक शब्द नहीं फूटता उनके मुंह से, और प्रताड़ित करने वाले भी इन्हीं के लोग होते हैं। देखिए, इस देश का वर्तमान प्रधानमंत्री एक नंबर का भ्रष्ट, एक नंबर का बेईमान, एक नंबर का झूठा और एक नंबर का देश को गुमराह करने वाला व्यक्ति है। इससे ज़्यादा क्या होगा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो महिला पहलवान हैं उनको इतनी बुरी तरह से अपनी पुलिस से पिटवाया, आपने देखा शायद साक्षी मलिक के चेहरे पर जूता तक रखा हुआ था एक पुलिस वाले का, आप सबने देखा फोटो था। अगर यहाँ पर डॉक्टर ऋतु बैठी हैं, मजबूर हुई हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के गेट पर एक प्रिंसिपल, मानवादी मानसिकता के प्रिंसिपल के विरुद्ध लगातार 2400 घंटे अनिश्चितकालीन धरना देने के लिए मजबूर हुई है, क्या ये खबर उसको है नहीं क्या? उसकी पुलिस ने, उसकी जो इंटेलिजेंस यहाँ पर है, उसके जो LIU के लोग हैं, इंटेलिजेंस के जो लोग हैं, क्या उन्होंने ये खबर उसको नहीं दी होगी? महिला पहलवानों के विषय में आप सब जानते हैं, इसके अलावा जितने भी BJP के अंदर बलात्कारी, महिलाओं का शोषण करने वाले, सेक्सुअल हरासमेंट के जो लोग हैं, किसके खिलाफ मोदी ने कार्रवाई करी है? किसी के खिलाफ की? किसी के खिलाफ मोदी ने कार्रवाई नहीं की। क्यों? क्योंकि गुंडों को पालना, BJP के अंदर उनको सुरक्षा देना, ये मोदी का चाल चरित्र और चेहरा है। एक सवाल जनता को लेकर पूछूंगी, सबसे बड़ी संख्या है बहुजनों की, यही बहुजन डिसाइड करते हैं केंद्र में या सत्ता में कौन रहेगा, लेकिन इन्हीं के साथ सबसे ज़्यादा प्रताड़ना होती है, इन्हें ही झेलना पड़ता है, फिर भी जब वोट लेने आते हैं तो मीट चावल और दारू पे फिसल जाते हैं, ये भूल जाते हैं कि हमारे साथ क्या कुछ हुआ था। यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है इस समाज का, सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि ये समाज ये नहीं समझ पा रहा कि इसको क्या फैसला लेना चाहिए, इसको कहां खड़े होना चाहिए, किनका साथ देना चाहिए और किनको मिट्टी में मिला देना चाहिए, यह समाज नहीं समझ रहा। और इसका और भी बड़ा दुर्भाग्य यह है कि इस समाज को, इसी समाज के नेताओं ने, विशेषकर राजनेताओं ने लूटा है, गुमराह किया है और इस समाज का बेड़ा गर्क किया है। अगर इस समाज के राजनेता वाकई में सही होते, इस समाज के विषय में सोचते जैसा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने सोचा, अगर ऐसी सोच वाले होते जैसा मान्यवर साहब काशीराम जी ने सोचा, जैसे साहू जी महाराज ने सोचा, जैसे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी ने सोचा, माता फातिमा बी और माता सावित्रीबाई फुले ने सोचा, ऐसे अगर महापुरुषों की तरह ये सोचते और काम करते इस समाज के राजनेता, तो इस देश की हालत नहीं होती। लेकिन
दुर्भाग्य इस बात का है आज भी कि नेता तो जो है सो है, पब्लिक आज भी अंधी बनी हुई है, आज भी उन्हीं नेताओं की पूंछ पकड़ के घूम रही है जिन नेताओं ने इस समाज की दुर्गति करा दी है। मैं यही सीधे शब्द कह रहा हूं। जब कोई नेता कह देता है कि हिंदू कोई धर्म नहीं है तो उस पर FIR कर दिया जाता है, माफी मांगो जैसे हैशटैग चलाए जाते हैं, कहा जाता है हिंदू विरोधी है ये। देखिए, ये जो माफी मांगो हैशटैग और ये जो चला रहे हैं, ये तो BJP की IT सेल के तनखैया कीड़े हैं, उनको तो तनख्वाह मिलती है इसलिए वो चलाते हैं ट्विटर पे। आजकल कुछ ट्विटर का ज्यादा हो रहा, अबे जिंदगी ट्विटर से नहीं चलती। एक बात तो ये है, बाकायदा इस देश के सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू जीवन जीने का एक तरीका है। मैंने कहा, सुप्रीम कोर्ट कह रही है तो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ चलाओ ना हैशटैग, नहीं चलाएंगे ना। लेकिन ये बात भी समाज में बहुत लोगों को मालूम नहीं है, इसलिए ये सारी चीजें होती हैं। और दूसरी बात, अगर कोई भी ये सब करता है उसका मुकाबला इकट्ठे होकर और डट कर करो। अगर हम इकट्ठे होकर डट कर करेंगे तो ही जीत पाएंगे, अकेले करेंगे तो खत्म हो जाएंगे। अब जैसे आज की बात हम देखें, इस समय हम बैठे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ आर्ट के गेट पर, गेट नंबर 4 के सामने यहाँ बैठे हैं हम, कला संकाय जो है यहाँ पे बैठे हैं हम, इतने सारे लोग बैठे हैं। ये बात इस चैनल के माध्यम से समाज तक पहुंचेगी? शर्म नहीं आती समाज को कि उसे यहां आना चाहिए? हमने 4 दिन पहले बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था समाज कितनी बड़ी संख्या में है। अगर दिल्ली का समाज ही, उसका सिर्फ 1% की बात कर रहा हूं, दिल्ली में जितना समाज है बहुजन समाज, अगर उसका 1% आ जाए तो सरकार की अभी कमर टूट जाएगी, घुटनों पर आ जाएगी। मैम, आप अपने आंदोलन के लिए, धरने के लिए किसी से, लोगों से जो भी अपील करना चाहेंगे कुछ, क्योंकि यहाँ पर बहुजन की संख्या बहुत है पर एकजुटता नहीं है। देखो, मैंने पहले भी आपके चैनल पे इंटरव्यू किया और हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, वहाँ पर भी यही अपील थी कि मेरे लिए किसी ने नहीं आना, समाज के लिए आना। जो हमारा गला घुट रहा है ना दलित आदिवासियों के बच्चों का, जो एक एंट्री पॉइंट है विश्वविद्यालयों में, बड़े विश्वविद्यालयों में आपका घुसने का, वो सब दरवाजे बंद हो रहे हैं। अगर आप न्याय को पसंद करते हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि बहुजन समाज के जितने भी बच्चे हैं वो आकर ऐसे विश्वविद्यालयों में पढ़ें और पढ़ाएं, तो आपको इस मुहिम में शामिल होना चाहिए, क्योंकि ये नौकरी की बात नहीं, ये न्याय की बात है। और जिस जो भी इंसाफ पसंद है, जस्टिस को पसंद करता है, वो इस आंदोलन में इस शामिल हो, अपनी भागीदारी निभाए। क्योंकि बहुजन समाज, मैंने भलीभांति देखा है, मैंने बहुत आंदोलन किए हैं, किसी का भी आंदोलन हो देश में, किसी का भी, शाहीन बाग से लेके किसान मोर्चे तक, पहलवान बेटियां हो, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, सबसे ज़्यादा भागीदारी बहुजन समाज निभाता है। तो फिर जब अपनी ही बच्ची की बात है तो आज मैं भी देख रही हूँ मेरे लिए कौन आता है। तो मेरी यही अपील है कि जो भी, जिस भी तरीके से इस मोर्चे में दिन में आना चाहे, ये इनडेफिनेट है, अनिश्चितकालीन है, दिन रात चल रहा है। आप जब भी, जब आपको लगे कि सुबह आपकी जॉब है, आप शाम को अपनी भागीदारी निभा सकते हैं, निभाइए। और हम जुल्म को यहाँ ख़त्म कर सकते हैं, और इस अपराधी, ये अपराधी जो महिला है, इस पर धाराएँ देख लीजिए, ये अपराधी को, जिसके ऊपर चार्जशीट जमा हो गई है, इस अपराधी को सस्पेंड करा के, बाकी प्राचा साहब और भानु प्रताप जी की मदद से, पूरी लीगल टीम जो है उसकी मदद से, इसको सलाखों के पीछे पहुंचाना इनका काम है। बस मेरी यही बहुजन समाज से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ साथ दो, सिर्फ भोगों पे ना आया करो, कैंडल मार्च की एक्साइटमेंट मत रखा करो, जिस समय आपसे कोई न्याय की गुहार लगाता है उस समय उसका साथ दो। जय भीम। जाहिर तौर पर अगर संविधान की बात करनी है तो एकजुटता भी दिखानी पड़ेगी, हक और न्याय चाहिए तो एकजुट होकर यहाँ पर डॉक्टर रितु के साथ बैठना होगा, उनका समर्थन करना होगा। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।